नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए शुरुआत करते हैं सुबह समाचार की इस वक्त की खास खबरों के साथ। भरतपुर के रुदावल चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी, मरीजों को होती है खासी परेशानी। बूंदी में दुकान के बाहर खड़ी वैन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, वैन जलकर हुई खाक, दमकल से पाया आग पर काबू। यूपी के संभल में पुलिस कमीशन एनकाउंटर जारी, मुठभेड़ में एक बदमाश और एसआई हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। भरतपुर के सबसे बड़े बांध बारोटा, जो कि जिले के क्षेत्र की सिंचाई की भूमि के लिए लाइफ लाइन कहा जाता है, बांध से निकलने वाली करीब 24 किलोमीटर लंबाई की नहरों को पक्की करने के लिए केंद्रीय जल बोर्ड से 11 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है, जिसका शीघ्र टेंडर होने की संभावना है, जिससे करीब 24 किलोमीटर की नहरें पक्की और पुलियाओं का निर्माण किया जाएगा। नहरें पक्की होने से किसानों को अंतिम टेल तक पर्याप्त पानी मिल सकेगा, जिससे पानी की बर्बादी भी रोकी जा सकेगी। जनवरी माह में खून जमा देने वाली सर्दी पूरे राजस्थान में अब पूरे जोरों पर है। बुजुर्ग, बच्चे और यहां तक कि जवान पूरे कपड़े पहनने के बावजूद भी सर्दी को महसूस कर पा रहे हैं। बालोतरा पचपदरा रोड बाईपास रोड के समीप पेयजल लाइन में लीकेज के कारण व्यर्थ बह रहे पानी की लीकेज को ठीक करने के लिए पचपदरा जलदाय विभाग के कर्मचारी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए नजर आए और वहीं अपना कार्य करना जिम्मेदारी के तौर पर समझ के वो काम कर रहे हैं। परंतु इतनी सर्दी के बीच ठंडे पानी में उतरकर गांव और शहर वासियों को पीने का पानी उपलब्ध करवाना जलदाय विभाग के इन साहसी लाइन मैनों के कारण ही पहुंच पा रहा है। आपको बता दें कि पाइपलाइन टेलीफोन लाइन को ढूंढते वक्त जेसीबी दोबारा कुछ समय पूर्व फोड़ दी गई थी, जो अब सहायक लाइन मैन द्वारा ठीक की जा चुकी है। बूंदी में पुराना NH-52 बाईपास पर मीना मंदिर के पास दुकान के बाहर खड़ी वैन में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई। आग के कारण देखते ही देखते पूरी वैन जलकर खाक हो गई। सूचना पर नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वैन में आग लगती देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वैन में LPG गैस किट भी लगा हुआ था, लेकिन लोगों की सतर्कता से आग वहां तक नहीं पहुंच पाई और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। संभल में पुलिस का मिशन एनकाउंटर अभी भी जारी है। जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के बहवालपुर गांव के पास बाइक लूटकर फरार हो रहे बदमाशों को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। इसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को SI मनोज कुमार ने घायल कर दिया और घायल के साथ मनोज कुमार भी समय घायल हो गए। घायल SI और बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के समय बदमाश का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तार बदमाश पर कई जनपदों पर लूट और चोरी सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के समय पुलिस कप्तान यमुना प्रसाद सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अगली खबर भी जनपद संभल से है, जहां गुन्ना और कोतवाली क्षेत्र के रघुपुर पुख्ता गांव में देर रात्रि में अचानक 3 घरों में आग लग गई, जिससे तेजपाल और ओंकार की पशुशाला में पशु बंधे हुए थे, जिनसे आधा दर्शन पशु बुरी तरह झुलस गए। वहीं पास के भूरे सिंह के घर पर भी आग की लपटें पहुंच गई और पूरी तरह से भूरे सिंह के घर का सामान भी जलकर नष्ट हो गया। इस पर स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया और सूचना पर मौके पर पहुंचे चिकित्सा अधिकारी मुकेश वर्मा ने पशुओं का उपचार किया, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी क्षेत्र में शुक्रवार शाम को मियो की ढाणी में दो समुदायों के लोगों के बीच में झड़प हो जाने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। झड़प में ईंट पत्थर तेज धार वाले हथियारों से भी हमले किए गए हैं। इस हादसे में 2-3 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना मिली है। लगभग आधे घंटे से पुलिस दोनों पक्षों से समझाइश करने का प्रयास करती रही। आधा दर्जन से अधिक शरारती तत्वों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।
शाहपुरा में घोर तपस्वी उग्र विग्रहधारी वेणीचंद महाराज के स्मृति दिवस में गुरु भगवंतों और पूज्या साधुओं के सानिध्य में से मनाया गया। श्री संघ अध्यक्ष गोखरू ने आगंतुक सभी संघों का आभार व्यक्त करते हुए वेणी मोहन गुरुधाम पर खाली जगह पर सीसी ब्लॉक और भोजनशाला के निर्माण के लिए सहयोग का आह्वान किया। इस दौरान कार्यक्रम में डिकोला, बड़ा महुआ, बनेड़ा, लुलास, कादी सहना, रहड़, फुलिया, सुरेंद्र चौधरी भिलवाड़ा और मधु डांगी, अभिलाषा सिंह भी और नेमी चंद पोकरना ने अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों में विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को बेहतर क्रियान्वयन, समन्वय और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिलावार प्रभारी मंत्री नियुक्त किए हैं। प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियों से विकास कार्यों को और ज्यादा तेजी मिलेगी और प्रदेश में गुड गवर्नेंस का उद्देश्य साकार हो पाएगा। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने बीरिकल्ला को जैसलमेर और बाड़मेर, शांति धारीवाल को जयपुर, परसादी लाल मीणा को झुंझुनू, मास्टर भंवरलाल मेघवाल को उदयपुर, लालचंद कटारे को पाली और जोधपुर, रघु शर्मा को सीकर, प्रमोद जैन भाया को अजमेर और विश्वेंद्र सिंह को करौली और धौलपुर का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है। प्रजापत समाज के लोगों ने शुक्रवार को नायब तहसीलदार कालसी राम शर्मा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर रतनगढ़ के निजी स्कूल मंगल दत्त माध्यमिक स्कूल की मान्यता निरस्त करने और स्कूल के प्रबंध और प्रधानाचार्य के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि स्कूल स्टाफ की लापरवाही से कुछ रोज पूर्व चूरू के खासौली चौराहे पर प्रियंका प्रजापति की सड़क दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई। समाज के कुछ लोगों द्वारा रोष प्रकट करते हुए कहा गया कि पीड़ित परिवार को यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर प्रजापति समाज के भागीरथ घंटेलवाल, लालचंद, विष्णु प्रजापत, गजेंद्र, जगदीश, तेजाराम, कालूराम, ओम प्रकाश प्रजापत सहित समाज के कई लोग उपस्थित रहे। बयाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से आयोजित 7 दिवसीय सेवा शिविर के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। योजना के सहायक प्रभारी उदय राज मीणा के अनुसार शुक्रवार को कस्बे की श्याम सरोवर कॉलोनी, भीतरवाड़ी बस्ती और विद्यालय परिसर में साफ सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। इस अभियान में NSS योजना के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महिलाओं पर हो रहे अपराध की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। ताजा मामला राष्ट्रीय राजधानी से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर से दहला देने वाली घटना के रूप में सामने आया है। हरियाणा के गुरुग्राम में दिन दहाड़े 6 ऑटो रिक्शा चालकों ने 42 साल की महिला को अगवा कर गैंग रेप किया। यह घटना NH 8 पर गुरुग्राम के नखरौला चौक के पास दिन दहाड़े दोपहर करीब 2:30 बजे हुई, जहां उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने महिला को अगवा किया जिसमें वो बैठी हुई थी, जिसने माने कर के लिए ऑटो लिया था। दिल्ली की रहने वाली यह महिला किसी कंपनी के साथ वित्तीय मामलों को सुलझाने के सिलसिले में मानेसर जा रही थी, जहां उसके पति काम करते थे। भाटियान गांव में गत 29 दिसंबर को दिव्यांग खेदाराम भील की मृत्यु हो गई थी। खेदाराम भील के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है और इनके परिवार में 2 जून की रोटी की व्यवस्था भी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। सत्यमेव न्यूज द्वारा उठाए गए मुद्दे से प्रभावित होकर फलसुंड क्षेत्र के युवा इस परिवार की मदद के लिए सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाकर कुल 23,000 रुपए एकत्रित कर चुके हैं। ये पैसे परिवार को प्रदान कर दिए गए हैं। इसमें खेताराम नेता सर जीतू जालानी, खेतेश नातल, महिपाल सिंह जोधा के नेतृत्व में सहयोग राशि, मृतक की पत्नी लूणी देवी को नगद 8,000 और 15,000 बैंक के खाते में जमा करवा दिए गए। इस दौरान प्रकाश जयपाल, खेताराम नेता सर जीतू जालानी, ओम प्रकाश लोहिया, खितेश नादल, छगन सिद्धप और नथपाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रदेश में पड़ रही जबरदस्त सर्दी से किसानों को फल और सब्जियों में हो रहे नुकसान की चिंता करते हुए खराबे का सही आकलन कर किसानों को भुगतान दिलाए जाने की मांग की है। सैनी ने कहा कि राजस्थान के कई जिलों में प्रचंड सर्दी के प्रकोप से फसलों पर पड़ने वाले पाला जैसे नकारात्मक प्रभावों से किसानों की फल और सब्जियों पर असर पड़ रहा है, जिससे फल सब्जियों की खेती खराब हो रही है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सैनी ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस दिखावे की राजनीति कर रही है, वो रैलियों में कुछ और बोलती है और इनके पास करने वाले काम बिल्कुल अलग होते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने शुक्रवार को बसेड़ी पंचायत समिति ग्राम पंचायत सलेमपुर के गांव नौनेरा प्रति सिंह के शमशान घाट वाली नवीन पोखर निर्माण और महू गुलावली के गांव नगला महू पोपाबाई पोखर निर्माण में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर पाई गई कमियों में सुधार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण स्थल कार्य पर सांकेतिक बोर्ड लगाने, छाया, पानी, प्राथमिक उपचार, मेडिकल किट और छोटे बच्चे वाली महिला श्रमिकों को बच्चे पालने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करवाएं। रुदावल कस्बे का राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विभाग रिकॉर्ड में आदर्श पीएचसी का दर्जा प्राप्त कर चुका है, लेकिन फिर भी पीएचसी में चिकित्सकों का अभाव मरीजों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि रुदावल पीएचसी पर चिकित्सकों के 3 पद स्वीकृत हो चुके हैं। पीएचसी पर फिलहाल 2 ही चिकित्सक नियुक्त हैं, जिसमें एक महिला चिकित्सक लंबे समय से छुट्टी पर ही हैं। इसमें चिकित्सा व्यवस्था काफी बदहाल होती जा रही है। चिकित्सालय में नियुक्त महिला चिकित्सालय में चिकित्सक हाजिरी रजिस्टर में आगामी उपस्थित लगाने के लिए विवादों में भी आई थी, उसके बाद से लंबी छुट्टी पर ही वो हैं। वहीं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर वेद प्रकाश का कहना है कि चिकित्सालय पर नियमित सेवा दी जा रही है और अपने किसी आवश्यक कार्य के लिए छुट्टी तक नहीं मिल पाती है। किसी आवश्यक सरकारी कार्य के लिए चिकित्सालय से जाना पड़ता है तो पीएचसी की चिकित्सा व्यवस्था भी बाधित हो जाती है। महिला चिकित्सक काफी लंबे समय से छुट्टी पर है और उनका फिलहाल आने का भी कोई मूड नहीं नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।